press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वैभव सिंह जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं और पाकिस्तान की बैंड बजाने में माहिर माने जाते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बात करेंगे पाकिस्तान की आपसे, इसलिए कि आप पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान को जानते और समझते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, दो दिन पहले गायब हो गए, 8-9 घंटे तक मिले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट लेके, पहले कहा चाय पीने गया था, फिर पता लगा कि एस्टैब्लिशमेंट ले गई, और उसके बाद भी उनका वही कहना था जो शेख रशीद साहब जब गायब हुए थे और आए थे, वो कहा कि मैं किसी को बता नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? केपीके में पुलिस जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है फौज यहाँ से निकले, हम यहाँ पर जो है ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सेनेटर मुश्ताक, उनकी भी ट्विटर के ऊपर कई जगह पर उन्होंने जो वहाँ पर लोगों से बात की है वो आपने हो सकता है देखी हो, वो भी यही कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। और क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान में चल क्या रहा है? पहली बात मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूंगा कि शेख रशीद ने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं बता सकता, कहा उन्होंने बताया था मैं चिल्ले में था, ठीक है? नहीं, साथ उन्होंने ये भी कहा था कि थोड़े वो उनसे जब पूछा गया कि आप चिल्ले में कहाँ थे, तो कहते हैं बस अब जाने थे, मैं चिल्ले में था। तो खैर, जो लोग को नहीं पता है, वो चिल्ला जो है वो होता है बेसिकली, जब आप ये जो पीर फकीर होते हैं ये, या सूफी जो होते हैं, ये सूफी जब आइसोलेशन में चले जाते हैं किसी गुमनाम जगह पे, किसी गुफा में जाकर के या किसी जगह पे जाकर के अकेले बैठ जाते हैं और बिल्कुल कहीं निकलते आते जाते नहीं, तो उसको चिल्ला लगाना कहते हैं कि मैं चिल्ले में था, 30 दिन 40 दिन का चिल्ला। तो जिसने जितना लंबा लंबा चिल्ला किया वो उतना बड़ा सूफी होता है। तो ये मैं बैकग्राउंड में लोगों को समझा रहा। और दूसरी बात कि अली अमीन गंडापुर तो पेटीज खा के आए हैं, ठीक है, और इस्लामाबाद के ऊपर जो है एक सब स्टेशन है ISI का, वहां पे थे और उनका फोन इसलिए नहीं लग रहा था बिकॉज उस कैंपस में जैमर्स लगे हुए हैं, ठीक। तो वहीं पे उनको रखा गया था, उनको जैसा कराची वालों को दाल चावल खिलाते हैं ना, तो पंजाब वालों को उसका स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनको पेटीज खिलाते हैं, ठीक। तो ये तो KP से थे, तो इनको खैर खिलाया पिलाया। और बेसिकली गंडापुर साहब जो बातें कर रहे हैं कि मैं ढोल लेके आऊंगा, मैं बाजा लेके आऊंगा, और फौज को ललकार रहे हैं कि मैं आऊंगा और जेल तोड़ करके, अडियाला जेल तोड़ के इमरान खान को लेके जाऊंगा, ठीक करना है तुम अपना इदारा ठीक करो, फैजा भी तुम्हारा आदमी था, हमारा आदमी थोड़ी था, ये जो मार रहे हैं बढ़ के ना, ये क्यों मार रहे हैं? बेसिकली इसलिए मार रहे हैं क्योंकि जो फैज हमीद का फोन मिला है, उस फोन में फैज हमीद ने कैसे इसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, और अरशद शरीफ जो कि जर्नलिस्ट थे जिनको केनिया में गोली मार दी गई, उसको किस तरह से इन्होंने इंस्ट्रक्शन फैज हमीद ने दिए कि ISI चीफ ने, फॉर्मर ISI चीफ ने गंडापुर को, कि इसको अपने यहाँ से निकलवाओ, इसका इस तरह से जो है ऑफिसर्स को भेजो, अब यहाँ पे लेकर के लोगों को आओ, इतना पैसा उसको दो, ये करो वो करो, ये सब कुछ किया। फिर जब वो पेशावर कोर कमांडर लगा, तो पेशावर कोर कमांडर रहते हुए उसने अलाउ किया कि मॉब आए। पहला, अगर आपको याद होगा, जो पहला हमला हुआ था वो कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर, साहब पानी में उंगली डाल के देखते हो कितना गर्म हुआ है, तो वो जो वाटर टेस्ट किया था वो पहली बार पेशावर के ही कोर कमांडर के जो जो हेडक्वार्टर है पेशावर कोर का, वहां पे ही जाकर के, वहां पे ही लोग टैंकों पे चढ़े थे। एक बार जब लगा कि अब इसका रिएक्शन नहीं आया, तो चीजें फिर वहां से उठते उठते 9 मई तक गई ना, जब पूरे पैन पाकिस्तान उन्होंने हमले किए, बट वो जो वाटर टेस्ट हुआ था वो वही पेशावर में हुआ था। अच्छा, कोर कमांडर नहीं चाहता तो क्या वो लोग वहां इकट्ठा हो सकते थे? नहीं। फैज हमीद ऐसा कोर कमांडर अलाउ किया कि हाँ आओ टैंकों पे चढ़ो, ठीक है, हमले करो, तो वो लोगों का मन भी बढ़ाना था, लोगों को हौसला भी देना था, तो वो काम उन्होंने किया। उस समय से गंडापुर और इसकी कॉन्वर्सेशन फोन पे रिकॉर्डेड थी और वो फैज हमीद के फोन से निकली है,
तो अब गंडापुर को ये मालूम है कि अब गंडापुर आज नहीं तो कल गंडापुर को ये उठाएंगे फौज वाले, और वो बचेगा नहीं अब। तो इस वजह से अब वो पहले से कहते हैं ना कि एक सियासी जो है शहीद बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मैं फौज के खिलाफ अभी से बोलना शुरू करूं ताकि फौज उठाए मुझे, तो मैं एक पॉलिटिकली एक विक्टिम बन जाऊं कि यार देखो बिकॉज मैं फौज के खिलाफ बोल रहा था इसलिए जो है मुझे इन्होंने किया। और ये तो फौज के पैदा किए हुए ना सारे टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस हैं, ये कौन है ये? मैं देख रहा था वो फैसल वावड़ा भी बड़े वो भले हुए कि आज जमहूरियत के चैंपियन और पीटीआई के खिलाफ बोल रहे हैं। फैसल वावड़ा खुद, फैसल वावड़ा कैसे इलेक्ट हुआ है मुझे बताइए, अभी सेनेट में आया है, वो पीटीआई में गया किसके कहने पे गया था? पीटीआई को पैसे दिए किसके कहने पे दिए थे? ठीक, 15 साल इमरान खान के साथ था किसके कहने पे था, ये भी तो बताए बिल्कुल ना। और आज न पीपल्स पार्टी से इलेक्ट हुए हैं, ना नून लीग से इलेक्ट हुए हैं, ना पीटीआई से इलेक्ट हुए हैं, लेकिन इलेक्ट हो गए हैं सेनेट में, बिल्कुल ठीक है, तो कहां से इलेक्ट हो गए, किसने इलेक्ट किया भाई उनको? ये जो पीटीआई भाई उनको नून लीग वालों ने भी वोट दिया है, उनको पीपल्स पार्टी वालों ने भी वोट दिया, और सबको वोट दिया, सबका वोट लेकर के वो आ गए और बैठ करके इन तीनों पार्टियों को गालियां देता है, वो हाँ पीटीआई को भी, नून लीग को भी, और पीपल्स पार्टी को भी, तो सबको पता है। तो ये सारी की सारी पीटीआई हो चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, कौन है इनमें से जो फौज की पैदावार नहीं है? पीपल्स पार्टी को अयूब खान ने बनाया, नून लीग को अपना जियाउल हक ने बनाया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हामिद गुल और फिर बाद में कियानी और रहील शरीफ ने और बाजवा ने बनाया। भाई फौज की गोद में बैठ के सारे आए और सारे मिलके फौज को गाली देते हैं, ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर दिखाता है। पाकिस्तान का जो नेशनल कैरेक्टर है वो यही है ना कि जो तुमको रोटी दे, जो तुमको छत दे, जो तुमको वजूद दे, उसी की तरफ गद्दारी करनी है तुमने, उसी को गालियां देनी है। जो तुमको छितर मारे, जो तुमको जलील करे, जो तुम्हारे जनाजे उठवाए तुम्हारे घर पे, उससे मुजाकरात करने, उससे बातचीत करनी है, उसको इज्जत पूरी देनी है, जैसे टीटीपी को दे रहे हैं। ईरान वाले नहीं सुनते, ईरान वाले हमले करते तो ईरान के साथ हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, क्या है बिरादर इस्लामी मुल्क तुम्हारा ईरान? तुम्हारी अजान का टाइम एक नहीं, ठीक है, तुम्हारे मौलवी एक नहीं, अकीदा तुम्हारा एक नहीं, ठीक है, एक अल्लाह और एक नबी को हटा दो अगर तो मतलब इफ्तारी और जो है कि इसका क्या कहते ना हैं कि इसका सहरी का भी टाइम सैरी सेम नहीं है, मतलब का क्या सिमिलैरिटी है? अजान साथ में तुम नहीं दोगे, मस्जिदों में एक दूसरे की तुम नहीं जाओगे, लेकिन बिरादर इस्लामी मुल्क है, उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान बिरादर मुल्क नहीं है, ठीक है, खुद पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ कितने भी ज्यादा मुसलमान हो मेजोरिटी फिर भी हिंदू है, ये नेशनल कैरेक्टर है ना भाई। हिंदुओं ने तुमको भाई तुमने पाकिस्तान ले लिया, चलो ले लिया। देखिए मैं रिलीजन के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, मैं आपके चैनल पे भी बात नहीं करता, लेकिन अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगी ना, जब से इस्लाम आया है 1400 साल पहले, भाई कुरान किसके ऊपर नाजिल हुई? प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। शरीयत कब आई? कुरान के बाद आई। हदीसें कब आई? कुरान के बाद आई, ठीक है, तो आपकी शरीयत हो, आपका कुरान हो, आपकी हदीसें हो, जो कुछ भी है सब कुछ 1400 साल के बाद ही आया, ठीक। जब से ये चीजें आई हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तब से हो रही हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ साजिश हो गई, उनके नवासों के खिलाफ साजिश हो गई, उनके दामाद के खिलाफ साजिश हो गई, उनकी बेटी के खिलाफ साजिश हो गई, उनकी सबसे छोटी बीवी के खिलाफ साजिश हो गई। तो जब फाउंडर ऑफ द रिलीजन के ही फैमिली में हर एक किसी के साथ साजिशें हुई हुई हैं, तो मुसलमान पिछले 1400 साल से साजिशें ढूंढ रहा है। और आप किसी भी चले जाइए इस्लामिक स्टेट में, रियासत में, वहां पे सबसे आसानी से जो चीज बिकती है वो साजिश है। इवन इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं आप उनको साजिश बेच के देखिए, 2 मिनट में खरीदेंगे वो। वक्फ बोर्ड का कानून आया है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो अन इस्लामिक हो, जो अमेंडमेंट आ रही है, सब कुछ
बेसिकली उसमें जो अन इस्लामिक चीजें हैं उनको निकाला जा रहा है, जो अन इस्लामिक चीजें हैं अभी उसमें उनको निकाला जा रहा है। लेकिन क्या है, मोदी साजिश कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे दीन के खिलाफ साजिश हो रही है। तो किसी भी इस्लामिक जो एक मुआशरा है, जो समाज है, अच्छा मुझे नहीं समझ में आता कि मुसलमानों के पास ऐसी क्या चीज है, तुम दुकान में बैठ के पंचर लगा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश करनी है किसी को, कहते तुम्हारी जमीनें ले लेंगे, उसके पास जमीन है नहीं, वो तो भाड़े की दुकान पे चलाता है, किराए के घर में रहता है, उसके पास है क्या कि उसका ले लेंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेंगे, उसके पास जनाजा उठाने वाले चार लोग नहीं है। और मुझे बताइए, अगर कोई कब्रिस्तान ले भी ले तो क्या कभी कोई कब्रिस्तान पे घर बनवाता है, कब्रों के ऊपर घर कौन बनवाता है, कोई बनवाता है? तो जमीन लेके करना क्या, अचार डालना है उसका, हमारे कब्रिस्तान लेके क्या करूंगा मैं, सरकार क्या करे? तो ये दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी के मजेदार सवाल और वैभव सिंह जी के दमदार जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नॉलेजेबल और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।